हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आज आपका मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की मोस्ट फेमस सब एसयूवी गाड़ी के बारे में, या कहीं मिड रेंज एसयूवी गाड़ी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हुंडई क्रेटा। ये गाड़ी काफ़ी समय से लोगों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी अच्छी सेल्स इस गाड़ी की हमेशा चलती आ रही हैं। बट काफ़ी लंबे समय से इस गाड़ी का कोई भी न्यू अपडेट या कोई न्यू डिज़ाइन नहीं आया था। बट अब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। इन्फॉर्मेशन ही नहीं बल्कि कुछ कंट्रीज़ में इसका न्यू फेसलिफ्ट या कहें कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च भी हो चुका है। मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई थी, पर आप में से काफी लोगों ने कहा कि एक डिटेल्ड में बताइए कि हमें क्या क्या हमें इसमें जो चेंजेस है देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए एक डिटेल्ड में वीडियो लेके आया हूं, जिसमें कि आपको इसके चेंजेस के बारे में सब पता लग जाएगा एंड कब लॉन्च होगी, क्या इसका प्राइस रहने वाला है एंड क्या क्या इसके फुल फीचर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो दोस्तों, बात की जाए इस गाड़ी की, तो इस गाड़ी का बहुत ही गाड़ियों के साथ कंपटीशन चलता आ रहा है, क्योंकि अभी जो है हाल ही में होंडा ने एलिवेट को लॉन्च किया है, जो कि इसका बहुत तगड़ा कंपटीशन भी देने वाली है। उसके साथ साथ हमें स्कोडा कुशाक देखने को मिलते हैं, जो कि काफी अच्छी सेफ्टी रेटिंग के साथ और काफी अच्छी प्रीमियमनेस के साथ देखने को मिलती है। उसके बाद अगर विटारा बेजा की बात करें या फिर नेक्सोन की बात करें, तो काफी गाड़ियां जो है इसके कंपैरिजन में आ चुकी हैं एंड अगले एक से डेढ़ साल में महिंद्रा एंड टाटा स्पेशली ये दो कंपनी जो है काफी ऑप्शन जो है वो लॉन्च करने वाली है, क्योंकि वो अब मार्केट में पूरी तरह से दबदबा बनाना चाहती है, क्योंकि एसयूवीज में तो इन कंपनी की काफी अच्छी पहचान बन चुकी है बट अब वो मिड रेंज में भी चाहती हैं। तो अगर इस गाड़ी की बात की जाए तो इंडोनेशिया में इस गाड़ी का फेसलिफ्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। आपने उसकी फोटोग्राफ्स या वीडियोस ऑलरेडी देख ली होंगी, अगर नहीं देखे तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या फीचर्स हमें इसमें न्यू दिए गए हैं, क्या क्या यहाँ पे दिया जाएगा, या जो गाड़ी यहाँ पर लॉन्च होगी क्या हमें सिमिलर देखने को मिलेगी या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए फेसलिफ्ट, इस गाड़ी में जो फेसिस पे जो चेंजेस क्रिएट किए गए हैं, तो फेस की बात की जाए तो इसमें आपको ऑल न्यू ग्रिल डिजाइन देखने को मिलेगा, या कहें ऑल न्यू फ्रंट लुक देखने को मिलेगी। इसको मैं फेसलिफ्ट नहीं एक्सेलरेशन ही बोलना पसंद करूंगा, क्योंकि काफी मेजर चेंजेस इस गाड़ी में किए जाने वाले हैं। फ्रंट की अगर बात की जाए तो आपको इसमें इसकी ग्रिल में न्यू एलईडी प्रोजेक्टेड हेडलैम्प देखने को मिलेंगे, जो कि आपको ट्राई शेप में देखने को मिलने वाले हैं, जो कि बम्पर में ही मिक्स मैच होने वाले हैं। इसमें आपको अगर ये लाइट्स बंद है तो आप बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहे हैं कि क्या लाइट है क्या ग्रिल है। जस्ट आपको जैसे ही आप ये लाइट्स जो है ऑन करेंगे वैसे ही आपको पता लगेगा क्या लाइट है क्या नहीं है। तो ये काफी अच्छा और काफी एक न्यू क्रिएटिव डिजाइन इस गाड़ी में देखने को मिलता है, जो कि हमें कहीं ना कहीं वेन्यू में भी देखने को मिलता था एंड हमें किया की गाड़ियों में भी देखने को मिलता है। तो वही सिमिलर चीज को इसमें एक इनोवेटिव आइडिया के साथ इस गाड़ी में लॉन्च किया जाने वाला है, जो कि काफी अच्छा भी लग रहा है। उसके ठीक नीचे आपको इसके एलईडी हेडलैम्प देने को मिलेंगे, आपको फॉग लैम्प नहीं देखने को मिलते इस गाड़ी में, क्योंकि एलईडी ही काफी नीचे देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ हमें एक न्यू स्पोर्टी बम्पर देखने को मिलता है एंड बोनेट इस गाड़ी का काफी ज्यादा ब्रॉड किया जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं काफी ज्यादा बल्कि ये गाड़ी हमें फ्रंट से देखने को मिल रही है। सो ये था मेजर एंड फर्स्ट चेंज। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी रियर प्रोफाइल एंड साइड प्रोफाइल के बारे में। तो रियर प्रोफाइल की सबसे पहले अगर बात की जाए तो इसमें भी आपको मेजर चेंज देखने को मिलेगा। दोस्तों, फेस लिफ्ट में क्या होता है कि ज्यादा चेंजेस आपको फेस में या उसकी सिर्फ आउटर लुक में देखने को मिलते हैं, बट इस गाड़ी में ओवरऑल काफी बड़े चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। रियर की बात की जाए तो पहले आपको इसमें कनेक्टिंग टेल लैंप देखने को मिलती थी, जो कि इस बार नहीं देखने को मिलेगी। इस बार आपको पुराने ओल्ड स्कूल टाइप सेपरेटेड टेल लैंप देखने को मिलेंगी, बट काफी अच्छी लगने वाली है एंड कहीं ना कहीं सभी गाड़ियों से कुछ ना कुछ अलग भी होगा, क्योंकि अभी सभी गाड़ियां जो है कनेक्टिंग टेल लैंप ही दे रही हैं, तो वो हमें इसमें नहीं देखने को मिलेगी एंड एक सेपरेट एंड न्यू डिजाइन टेल लैंप देखने को मिलेगी। रियर प्रोफाइल में बात की जाए तो रियर प्रोफाइल में तो वैसे तो कोई चेंज नहीं देखने को मिलने वाला, बट इसमें आपको न्यू ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, जो कि हमें कहीं ना कहीं अल्काज़ार से सिमिलर देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद अगर इसके आउटर में या एक मेजर चेंज की बात की जाए तो वो रहने वाले इसके सनरूफ, इसमें आपको और बड़ी पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलेगी, पहले से भी ज्यादा बड़ी देखने को मिलने वाली है। इस गाड़ी के डायमेंशन जो है पहले से थोड़े बड़े देखने को मिलेंगे, आपको ज्यादा व्हील बेस इस गाड़ी में देखने को मिलेगा, जिससे कि इस गाड़ी में स्पेस जो है और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये थी बात इसके आउटर लुक के बारे में। अब हम मेजर बात करेंगे इसके इंजन के बारे में। इसमें आपको एक और इंजन ऑप्शन प्रोवाइड की जाने वाली है इस बार। इसमें हमें 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन भी देने को मिलने वाला है, जो कि मैं पहले वरना में देने को मिलता था, वही सिमिलर इंजन इस गाड़ी में प्रोवाइड किया जाएगा एंड जो कि 160 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 253 न्यूटन मीटर्स का मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो ये इंजन ऑप्शन काफी बढ़िया होने वाली है, काफी ज्यादा और पावर आपको प्रोवाइड की जाएगी इस गाड़ी में एंड जो लोग पावर चाहते हैं इस गाड़ी के साथ और इस गाड़ी के बहुत बड़े फैन हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन ये होने वाली है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे इसके इंटीरियर के बारे में कि इसमें इंटीरियर में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसका इंटीरियर इस बार फुल्ली चेंज हमें देखने को मिलने वाला है, या उम्मीद की जा रही है कि लगभग वो टोटली चेंज किया जाएगा। तो वो कैसे, इसमें हमें न्यू कलर कॉम्बिनेशन इस गाड़ी में देखने को मिलेंगे, न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, इसमें हमें 10.2 इंच की न्यू डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि पहले भी हमें देखने को मिलती थी, बट इस बार जो प्लेसिंग है उसकी वो थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिलने वाली है पहले के मुकाबले। इसमें जैसे कि हमें 6 स्पीड मैनुअल एंड सीवीटी देखने को मिलने वाला है, वहीं हमें 7 स्पीड डीसी
सिटी जो ड्राइव ऑप्शन की जाएगी, तो उसके लिए हमें इसमें पैडल शिफ्टर्स भी इस गाड़ी में देखने को मिलने वाले हैं, एंड उसके साथ साथ हमें फुली न्यू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको मोड्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आपको स्पोर्टी, इकोनॉमी एंड और भी काफ़ी अच्छे मॉडल्स इसमें गाड़ी में देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ हमें इसमें फुली न्यू लेदर फील देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले जो था कि पहले हमें ज़्यादातर हार्ड प्लास्टिक का जो मटेरियल इस गाड़ी में यूज़ किया जाता था, बट अब जो और गाड़ियाँ इसके कंपटीशन में आ रही हैं तो उनको देखते हुए ये गाड़ी अब इस बार हमें सॉफ्ट लेदर टच मटेरियल का यूज़ करेगी, जिससे कि इसके स्टेयरिंग व्हील हो, चाहे वो हैंडरेस्ट हो, चाहे गियर नॉब्स हो, या इसके इंटरफेरेंस सिस्टम हो, लगभग आपको लेदर मटेरियल ही देखने को मिलेगा और इसकी क्वालिटी को उतना सॉफ्ट किया जाएगा, जिससे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है अंदर बैठने वाले लोगों के लिए। उसके साथ साथ हमें इसमें न्यू फीचर्स देखने को मिलेंगे और सबसे बड़ी बात इसमें आपको फुली न्यू डैशबोर्ड के साथ साथ एम्बिएंट लाइटिंग भी देखने को मिलेगी। 16 कलर एम्बिएंट लाइटिंग ऑप्शन इस गाड़ी में देखने को मिलने वाले, जो कि इस गाड़ी के इनर एक्सपीरियंस को काफ़ी अच्छा कर देगी। इसके बाद हमें इसमें एयर प्योरीफायर तो ऑफर किया ही जाता है, तो वो भी इस बार हमें देखने को मिलेगा, एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स एंड ऑटो स्टॉप ऑप्शन भी इस गाड़ी में देखने को मिलेगी। रियर की बात की जाए तो रियर में आपको एसी वेंट्स देखने को मिलेंगे, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट एंड यूएसबी चार्जिंग पॉइंट दोनों ही आपको इस गाड़ी में प्रोवाइड किए जाएंगे। वैसे तो हमें काफी अच्छा लेगरूम इस गाड़ी में देखने को मिलता ही था, बट व्हील बेस इस बार ज्यादा होने के कारण हमें जो लेगरूम है और ज्यादा स्पेशियस देखने को मिलेगा। तो सीधा सीधा और साफ शब्दों में मैं बताऊं तो ऑल न्यू इंटीरियर इस गाड़ी में प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि मुझे लगता है कि काफी अच्छा होगा, क्योंकि मेरी तरफ से वो ड्रॉबैक था इस गाड़ी को लेकर कि इसमें इंटीरियर हमें उतना अच्छा नहीं देखने को मिलता था, जो कि इसके कंपैरिजन में और गाड़ियां हमें प्रोवाइड करती हैं। तो वेंटिलेटेड सीट्स एंड हीट वेंटिलेशन इसकी सीट्स में आपको प्रोवाइड की जाएगी, पहले हमें सिर्फ था कि वेंटिलेशन ही मिलती थी, हीट नहीं मिलता था, तो वो भी इस बार आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा। ये थी बातें इसके चेंजेस के बारे में, इंटीरियर के बारे में, एक्सटीरियर के बारे में एंड इंजन के बारे में। अब बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइस एंड लॉन्च के बारे में कि आखिर कब ये जो गाड़ी है लॉन्च होगी, प्राइस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर प्राइस की बात की जाए तो इस गाड़ी का प्राइस आपको 12 लाख रुपए से 19.5 लाख रुपए के बीच में देखने को मिलेगा, एंड अगर लॉन्च डेट की बात की जाए तो इस गाड़ी का जो लॉन्च है वो न्यू ईयर के आसपास हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि उससे पहले इस गाड़ी की कोई उम्मीद नहीं है। वो ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में हम सब जानते हैं कि हुंडई ने अपनी न्यू एक्स्ट्रा गाड़ी को लॉन्च किया है, जो कि जिसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, बट काफ़ी जल्दी लॉन्च भी होने वाली है, आपको काफ़ी जल्दी मार्केट में देखने को मिलेगी। तो उसके लॉन्च के बाद जो है हमें इसके फेसलिफ्ट की जो न्यूज़ है वो आएगी, क्योंकि अभी सारा का सारा ध्यान कंपनी का एक्स्ट्रा के ऊपर लगा हुआ है, तो इस वजह से इस गाड़ी का जो लॉन्च है आपको January 2024 में ही देखने को मिलेगा, उससे पहले इसके लॉन्च होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा कम है। बट हाँ, डेफिनेटली लॉन्च होगा, क्योंकि पहले रूमर्स थे कि लॉन्च होगा भी कि नहीं, लॉन्च तो होगा, क्योंकि अगर इंडोनेशिया में लॉन्च हो चुका है तो सिमिलर वही डिजाइन यहां पर भी आएगा एंड लॉन्च भी होगा। सो पहले पॉइंट ये है कि आपको क्या लगता है कि इसके कंपटीशन में आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उसका कंपटीशन अब ये गाड़ी दे पाएगी, या हमेशा की तरह ये गाड़ी एवरग्रीन ही रहने वाली है, इसे उन गाड़ियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड अगर आप कुछ पूछना भी चाहते हैं या मुझसे पर्सनली बात भी करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो होपफुली गाइस आपको इस गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। सो मिलते हैं अब हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।